subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. आप सभी जानते हैं कि मुंबई पुलिस की तुलना महाराष्ट्र पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती है। एक सक्षम पुलिस दल महाराष्ट्र का है। ऐसी हालात में कुछ लोग उनको मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ में जो सीनियर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है वो कोर्ट में गए और जो उन्होंने जो कदम उठाया है उनका मैं स्वागत करता हूँ। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, धमकी बिमकी वाली जो बात है ना, बेबुनियाद है। हम लोग धमकी बिमकी नहीं देते, सबको मालूम है। धमकी, इशारा, ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको एक बात कोई अच्छी नहीं लगती तो हम बोल देते हैं, सड़क पर उतरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शौहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है जी सर। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे जी सर, तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की जी सर, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने के साजिश है। मुंबई शहर असुरक्षित है, मुंबई शहर में ये है, मुंबई में ये है जी सर। इस प्रकार का माहौल बनाकर जी। इस प्रकार का माहौल बनाकर मुंबई को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही है और एक बहुत ही गलत है। कंगना के किसी भी ट्वीट में ऐसा नहीं लगा कि वो देशद्रोही हैं या किसी इंसान के अगेंस्ट उन्होंने थ्रेट किया है, और ऐसे में कोई भी कुछ भी कह सकता है। इससे यही नहीं, हम महिलाओं को जो कहते हैं ना, मुंह बंद रखो, ये विचारधारा सामने आती है शिवसेना के नेताओं को कि महिलाओं को सह नहीं सकते वो, अगर वो आज़ादी से बात कर रही हैं तो। मैं इसलिए नहीं देख रही हूँ, ये सेलिब्रिटी हैं, ये किसी को भी अगर ये ऐसा थ्रेट आया होता तो NCW ऐसे ही एक्ट करता, और सेलिब्रिटी के लिए या अलग से कोई वो नहीं है कि राइट्स नहीं है, ये सबके राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं। आपने एक महिला को थ्रेटन किया, इसलिए NCW एक्ट करेगा। टुडे आई रेड tweet of ANI and I got information from ANI that Pratap Sarnaik, who is MLA from Shiv Sena, he is threatened Kangana Ranaut and said that she will be beaten, her legs will be broken if she enters in Mumbai. These are highly objectionable statements. I am going to take Suomoto and writing to DGP to immediately arrest this person who is dangerous for the society and who is giving threat to a woman. The states are for everyone. Maharashtra is part of India and any Indian can go there, and nobody has the right to threaten to another person.
इट इज यस द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज राइट ऑफ एवरी इंडियन. दिस इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. एंड कंगना इफ शी इज नॉट राइटिंग अगेंस्ट नेशन और शी इज नॉट threatening anyone, she can say whatever she wants to say. These people, especially these politicians who think that women are less than others and she can't speak her mind, that's what the mentality of this person shows, and other Shiv Sena politicians who are after Kangana Ranaut. We came to know that there is a clear link between the gold smuggling case and the drug trafficking mafia which has been caught in Bangalore. So I am requesting the central and the state government to have a proper inquiry about the whole episode, because it has been clearly stated that the CPM state secretary's son is involved in the drug business, and he was helping those people who are involved in the drug trafficking. So it is very evident that there is some clear evidences against these people. So I wonder what is this government doing. One side they are protecting the gold smuggling case and trying to cover up the case. The other side, the CPM state secretary's son is involved in the drug trafficking. And both these cases are very, very serious. And I feel that the state government should inquire and the central government should inquire properly so that the real culprits will be brought before the law. The state police inquiry will not help, because the state, the district police chief is involved in so many crimes and he is not a trustworthy person, and there is a question mark about his integrity. So we are asking either a direct IPS officer should be entrusted with this inquiry, or by the CBI should take over the case. CCB of Bangalore City Police was developing some leads for last 1 month, and as a part of that exercise, last month we recovered around 204 kg of ganja. And during this exercise, it was revealed that one government official was participating in parties, and he was also all these parties were high-end parties. And they were consuming liquor, not only liquor but also certain drugs. So when this lead was developed, it was found that this particular person was working as clerk in Road Transport Office, RTU Jayanagar. And once this person was secured and analysis of his mobile phone was made, it was found that he has been active in party circle. And he was known for taking drugs, and he was also maintaining relationship with one film actress. And after that, when he was examined in detail, it was revealed that there were many people. He revealed names of many people, and some of them were organizing parties, some of them were helping them in getting drugs also. So based on that, a case has been taken up in Cottonpet Police Station of Bangalore City Police, and investigation has been taken up by CCB, and he has been arrested in the case. So how did the actor's name come into play? You have summoned her, and then today you raided a house. How did she come into the link, sir? This particular actress has been maintaining close contact with him. She has also participated in parties along with him, and they have a very close relationship, and there were certain other digital evidence which shows their proximity and their other connect also. And how many people have arrested, and these two arrested were peddlers or consumers? No, right now we have arrested only two people.
and these two people, so far, it shows that they are consumers as well as they are peddlers also. देखिए इलनेस की जो बात है वो अगर मान लीजिए कोई स्ट्रे इंसिडेंट कभी किसी को होता है तो उसका इलनेस नहीं कहलाएगा। 2019 तक उसको कोई ट्रबल नहीं था, उसकी जो भी ट्रबल स्टार्ट हुई 2019 के बाद स्टार्ट हुई, रिया उनके आने के जिंदगी के बाद स्टार्ट हुई, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी आपको सबको कहा है। इसलिए जो जब से रिया उनके जिंदगी में आई तब से घबराहट उनको होती थी, जिसको एंग्जाइटी समझ के परिवार उनको जब भी कुछ मदद कर रहा था, कर सकता था, करता था। उसके अलावा कोई वो डिप्रेशन में है या बाइपोलर है ऐसा कोई एविडेंस परिवार के पास नहीं था, ना ऐसा परिवार को कभी किसी ने बताया। और जहां तक परिवार का फैमिली वालों का मामला है उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था एटलीस्ट 2019 तक। अगर कोई उनको ड्रग दिया जा रहा हो उसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई और वजह से कोई उनका मेंटल स्थिति में कोई गिरावट आई हो तो कभी भी रिया चक्रवर्ती ने परिवार के साथ कन्फाइंड नहीं किया। काठमांडू से आ रहा हूँ, अभी दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली बिजनेस के कारण से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट करके जाने दे रहा है, अभी थोड़ा इजी हो गया आने जाने में थोड़ा, तो ठीक है अभी। अच्छा, आप काठमांडू रुके थे कोरोना के कारण? कोरोना के कारण रुका था काठमांडू में, तो अभी इजी हो गया आने जाने में। तो क्या कोरोना ने, आप व्यापारी भी हैं, व्यवसाय करते हैं, तो क्या इसने इफेक्ट किया है? इसने बहुत ही बड़ा इफेक्ट किया है अभी बिजनेस के लिए, लेकिन अभी थोड़ा इजी हो रहा है।